बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने बताए टॉप थ्री के नाम, और तीसरे वाले नाम से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग सहमत ना हो। तीसरा नाम जब यहाँ पर ये एक्स कंटेस्टेंट बताते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है और कहीं ना कहीं फील होता है क्या कुछ दाल में काला होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ करण कुंद्रा की। जी हाँ, इस बार उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली बताया है टॉप थ्री का नाम। यहाँ पर उनका कहना है कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिग बॉस का फिनाले आने वाला है। मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहा था और फिर मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया और मुझे लगता है कि टॉप थ्री कौन होंगे। उनके हिसाब से पहला नाम है एलविश यादव का। उनका कहना है कि एलविश यादव मेरे हिसाब से हैं टॉप थ्री में और उनके आने से सिस्टम हिला है। दूसरा नाम फुकरा इंसान का, क्योंकि पहले दिन से दिल से वो खेले। और तीसरा नाम, शौक मत होइएगा सुन करके क्योंकि मुझे थोड़ा सा शौक लगा था, जिया। जिया यहाँ पर जिया का नाम है तीसरा और उनके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी तारीफ की गई है। एग्जैक्टली क्या बोला है वो सुन लीजिए। कहा है कि जिया कुछ ना कुछ करती रहती है, वो जो जज्बा होता है गेम खेलने का, शो जीतने का, वो मुझे जिया में दिखता है। वेल, देखिए बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं, काफ़ी बार आए भी हैं बिग बॉस के घर में। उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी विनर भी रह चुकी हैं और जिस तरीके से उन्होंने जिया का नाम लिया टॉप थ्री के लिए, वेल ये थोड़ा सा मेरे लिए अजीब था क्योंकि मनीषा रानी को हम लोग टॉप थ्री में देखते हैं, गेम के हिसाब से देखते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरीके की बाहर है, जिस तरीके से उनको लोग पसंद कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं डेफिनेटली यहाँ पर मनीषा को टॉप थ्री में देखती हूँ। मेरे हिसाब से एलविश, फुकरा और मनीषा टॉप थ्री में पहुँचने चाहिए। लेकिन जैसे ही नाम सामने आ रहा है जिया का और तारीफें हो रही है कि उसमें गेम खेलने का जज्बा है, फलाना है, ढमकाना है, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट में ज़रूर बताइए। आपके टॉप थ्री का नाम ज़रूर मैंशन कीजिए। थैंक यू।